अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम औरंगज़ेब है और आप मुझे औरंग भी कह सकते हैं। वैसे तो मैं यूट्यूब पर वीडियोस बनाता हूँ और पॉजिटिव पिक्चर दिखाने की कोशिश करता हूँ अपनी ज़िंदगी की, कि मैं कितना पॉजिटिवली अपनी ज़िंदगी को जी रहा हूँ। पॉजिटिव पिक्चर दिखाना चाहता हूँ पाकिस्तान की, क्योंकि मैं पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं ऑस्ट्रेलिया के एक शहर सिडनी में रहता हूँ और कोशिश मेरी ये होती है कि मैं जो भी करूं और जहां भी रहूं, जैसा भी रहूं, मैं पॉजिटिविटी फैलाऊं, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत नफरतें हैं, बहुत नेगेटिविटी है। तो पॉजिटिविटी मेरा फोकस है। अच्छी चीज़ बताना और अच्छी चीज़ दिखाने की मैं पूरी कोशिश करता हूं। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखी इंटरनेट के ऊपर सर्फ करते हुए, जो सिडनी के बेस एक लड़के की है और ही इज़ वेरी अनहैप्पी अबाउट द लॉज, रेगुलेशंस, लाइफस्टाइल, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया का। और उसने बहुत ही नेगेटिव पिक्चर दिखाई ऑस्ट्रेलिया की, जितने भी लोग हैं उनको, उसने जो नए आने वाले लोग हैं उनको बेसिकली डरा दिया कि वो अपना ऑस्ट्रेलिया आने का डिसीजन, या ऑस्ट्रेलिया के अलावा दुनिया में कहीं भी, यूके, कनाडा का उसने जिक्र किया कि लोग वहाँ ना जाएं, और कि लाइफ बहुत डिफिकल्ट होती है, आपको बिल्कुल हार्ड वर्क करना पड़ता है, और बहुत ज़्यादा उसने डरा दिया नए लोगों को। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ ये है ताकि मैं लोगों को बता सकूं कि बाहर निकल के कितनी पॉजिटिविटी है जो आपको लाइफ में मिल सकती है। मैं आज से 6 साल पहले ऑस्ट्रेलिया आया था अपनी जेब में $800 लेके, जिसका मतलब है 80,000 रुपये पाकिस्तानी। ऑस्ट्रेलिया पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगा मुल्क है स्टडीज़ के लिए, जहाँ पे नॉर्मली एक बैचलर्स की फ़ीस, एक नॉर्मल बैचलर्स की फ़ीस आपको 90 लाख से 1 करोड़ तक पड़ सकती है 3 साल के अंदर, जो आपको पे करनी होती है। ऑस्ट्रेलिया में स्पेशली सिडनी इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज़ टू लिव इन। उसके बावजूद जो लोग यहाँ पे आते हैं, लेट मी टेल यू ट्रूथफुली कि मैंने आज तक कभी किसी को रात को भूखा सोते हुए नहीं देखा, किसी को ये कहते हुए नहीं देखा कि मुझे इतना टाइम हो गया और मेरे पास जॉब नहीं है, या किसी को ये कहते हुए नहीं देखा कि मेरे पास पैसे नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में आपको वेलकम किया जाता है, आपको अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, उसके बाद सारी मेहनत करना और उसके से कुछ हासिल करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, एक सेकंड कंट्री में आके सर्वाइव करने के बाद सक्सेसफुल होने की वो टिप ये है कि अच्छी गाइडेंस होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई 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 गाइड करने वाला है और वो आपको बिल्कुल सही तरीके से गाइड कर रहा है और आप अगर उसको फॉलो करो तो आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। लेकिन मोस्टली क्या होता है कि यंग लड़के जो हमारे मुल्क स्पेशली पाकिस्तान से आते हैं, और वो ऑस्ट्रेलिया में आके इतना फ्री माहौल है और इतना ज़्यादा कुछ आपको देखने को मिलता है और इतनी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल होती हैं कि लड़के पैसे को अपनी प्रायोरिटी बना लेते हैं बजाय अपनी स्टडीज़ के, और वहाँ से उनका डाउनफॉल स्टार्ट होता है। जब आप अपनी स्टडीज़ के पीरियड में पैसे ज़्यादा कमाने लगते हो तो आप अपनी पढ़ाई को निग्लेक्ट करते रहते हो, बगैर ये सोचे समझे कि अगर आपकी पढ़ाई इफेक्ट होगी तो इवेंचुअली आपकी फीसेस का लॉस है, और आपकी एक सेमेस्टर जो कि 3 मंथ्स का होता है, उसकी फीस तकरीबन 11 से 12 लाख रुपए तक हो सकती है। अब आपको 12 लाख रुपए जमा करने के लिए हफ्ते में 6 दिन काम भी करना है और 3 दिन यूनिवर्सिटी भी जाना है। सो नो डाउट इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। मतलब अगर मैं आपको आसान जुबान में बताऊं तो जिंदगी गधे वाली होती है, बट आपको ये करना पड़ता है। अनटिल और अनलेस आपकी फैमिली इतनी स्ट्रांग है कि आपको पीछे से सपोर्ट आ रहा है, पाकिस्तान से आपको आपके एक्सपेंसेस आ रहे हैं, सो यू कैन लिव अ रियली रिलैक्सिंग लाइफ। बट मेरे जैसे बंदे के लिए आई हैड टू डू, आई केम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली एंड आई हैड टू डू अ लॉट फॉर माई ओन सेल्फ। आई हैड टू वर्क रियली रियली हार्ड और काफ़ी मुश्किलों से गुजर के अपनी फीसिस पे करके, अपने भाई की, जिनको आई थिंक आई गिव 100% क्रेडिट टू माई ब्रदर ख्वाजा शाहजेब, जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया मेरी लाइफ में सक्सेस होने पे। तो यू रियली नीड अ गुड गाइडेंस, यू नीड टू हैव इनफ गट्स टू
फॉलो दैट गाइडेंस, आपको अच्छा कोई गाइड करे तो आपको उसको फॉलो करना है। यूनिवर्सिटी आपने रेगुलर बेसिस पे जाना है, काम को और पढ़ाई को सेम प्रायोरिटी देनी है, और 3 साल तक आंखें बंद करके पढ़ाई और काम के अलावा आपने कुछ नहीं करना। ऑब्वियसली जब आप पाकिस्तान से आते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसे मैं आया था, मैंने सिर्फ और सिर्फ इंटर किया हुआ था, तो आपके पास कोई इतनी ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं होती। सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि आप इंटर करके आए हुए हो और आपको यहाँ पे कोई मैनेजर या जनरल मैनेजर की जॉब मिल जाएगी? नहीं, यू विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। आपको बिल्कुल नीचे वाले लेवल से स्टार्ट करना पड़ता है, ऑड जॉब्स जिसको कहा जाता है, जिसकी बारे में वो बहुत ही ज़्यादा डिग्रेडिंग तरीके में वो बंदा डिस्कस कर रहा था। मैं आपको बताऊं कि इट्स नॉट दैट बैड, कोई काम बुरा नहीं होता। अगर आपको ऑड जॉब से अपनी लाइफ, अपने करियर का स्टार्ट लेना पड़े और वो ऑड जॉब्स आपको इनफ पैसे कमाने का मौका दे के आप दुनिया की सबसे महंगी स्टडी कर सको, इट्स नॉट अ बैड डील आपके लिए। ये बहुत अच्छा चांस है। मतलब दुनिया में इतने लोग हैं जो ये चांस के लिए तड़प रहे हैं, तो अगर आपको ये चांस मिल गया है, टेक इट इन अ पॉजिटिव वे। उसके अलावा जो रियल इशू है वो ये है कि पीआर यानी परमानेंट रेजिडेंसी ऑस्ट्रेलिया में रहने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल करते जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे इमिग्रेंट्स आ चुके हैं, कंट्री भरती जा रही है, रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जा रही हैं। तो पहली बात तो मेरी उन सब लोगों को ये रहेगी कि जो भी ऑस्ट्रेलिया आके पढ़ना चाहते हैं और फिर यहाँ पर रहना चाहते हैं, डोंट कम इन अकाउंटिंग। अगर आप अकाउंटिंग सब्जेक्ट लेके ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं तो आपका फ्यूचर ज़्यादा अच्छा नहीं है। यहाँ पे ऐसे लड़के हैं जिन्होंने डबल मास्टर्स किया हुआ है और वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं परमानेंट रेजिडेंट होने की, बट वो नहीं हो पा रहे। लड़के 8-8, 6-6 साल से स्टूडेंट वीज़ास के ऊपर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बहुत ज़्यादा फीसेस भरनी पड़ रही हैं। लेकिन मैं उनको कहूँगा कि वो उनका अपना लैक ऑफ रिसर्च है या उनकी लक है, या आप उसको कह लें कि वो उनकी कुछ गलती होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि एक हाथ से ताली बजे, उनका कोई ना कोई फॉल्ट होगा। आपको पूरी रिक्वायरमेंट्स के लिए रिसर्च करना ज़रूरी है, आप उसको फॉलो करो। लेकिन अगर आपने सारी चीज़ें 100% दी और अपने सही तरीके से पूरी की, तो आपका यहाँ पर बहुत अच्छा स्कोप है। तो राधर देन के कैमरे के सामने बैठ के और फेसबुक या सोशल मीडिया के ऊपर ऑस्ट्रेलिया को या ऑस्ट्रेलिया की लाइफ को या ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले पाकिस्तानी इंडियन लोगों को जो जो काम करने पड़ते हैं उनके ऊपर उनको तंज करना या उनका मजाक उड़ाने के बजाय, बेहतर यह है कि हम पॉजिटिविटी फैलाएं, हम लोगों को बताएं कि इन चीज़ों से हमें क्या क्या फ़ायदे हुए हैं। इट्स वेरी वेल डील कि आपको रिटर्न इतना अच्छा मिलता है छोटे से काम का भी, कि आपको काम करने में मोटिवेशन मिलती है, आपको मज़ा आता है। तो जो भी लोग ऑस्ट्रेलिया आने का सोच रहे हैं, मेरा उनको सिर्फ सिंपल ये मैसेज है कि चूज़ द राइट सब्जेक्ट ऑस्ट्रेलिया आने के लिए, राइट सब्जेक्ट का इंतखाब करें, आइल्स की प्रिपरेशन पहले से करके रखें और मेहनत के लिए अपनी कमर बांध के आएँ। लेकिन आपको मेहनत तो करनी है, आपको और जॉब से ही स्टार्ट करना है। अनटिल अनलेस कि आप बहुत ही हाईली क्वालिफाइड हैं या आप हाईली एक्सपीरियंसड हैं, तो आपको बआसानी आपकी फील्ड में जॉब मिल जाएगी। अदरवाइज आपको स्टार्टअप अपने करियर का और जॉब से लेना पड़ेगा। तो रादर देन आप सारा वक्त अपना कंप्लेन करो या आने वाले लोगों को डिग्रेड करो, आप अपने आप को प्रिपेयर्ड करो। इतना भी मुश्किल नहीं है, सब कुछ हो जाता है। ये इतनी वेलकमिंग और इतनी अच्छी कंट्री है और अभी डेवलप हो रही है, तो चांसेस अभी भी बहुत हैं। तो वो लोग जो कि फवाद जावेद की वीडियो देख के बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो गए थे, डीमोटिवेट हो गए थे या डर गए थे, मेरा उन लोगों को ये सिंपल सा मैसेज है कि आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया एक बहुत ही वेलकमिंग कंट्री है, आपको यहाँ पे बहुत कुछ करने का मौका मिलेगा, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, बहुत अच्छे पैसे कमाने का मौका मिलेगा। सो अगर आप ऑस्ट्रेलिया अपनी स्टडीज़ के लिए चूज़ करना चाहते हैं, गो फॉर इट, ऑस्ट्रेलिया आएँ। यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, लोग एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे का बहुत ख्याल करते हैं। उसके अलावा जो चीज़ें आपके लिए बुरी हैं वो है अकाउंटिंग, स्पेशली ज़्यादातर स्टूडेंट जो हैं वो अकाउंटिंग या आईटी पढ़ने के लिए आते हैं। अकाउंटिंग इसलिए कि वो बहुत ज़्यादा चीप होता है,
बहुत स्टूडेंट्स आए अकाउंटिंग पढ़ने के लिए, तो अब उन्होंने अकाउंटिंग की परमानेंट रेजिडेंसी की रिक्वायरमेंट्स इतनी टफ कर दी हैं कि जिस बंदे के पास 5 साल से कम वर्क एक्सपीरियंस हो उसके लिए तो नामुमकिन हो चुका है। तो आप स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट को और पॉइंट सिस्टम को समझें और उसके बाद अपने सब्जेक्ट ऑफ स्टडी का सिलेक्शन करें। यूनिवर्सिटी को प्रायोरिटी देनी है काम की तरह और दिन रात काम करना है, और जब तक आपकी यूनिवर्सिटी है आपने अपनी लाइफ में कोई सोशल लाइफ नहीं डालनी। यू हैव टू वर्क हार्ड टू गेट व्हाट यू वांट। लेकिन ऐसा नहीं है कि लाइफ बहुत मुश्किल है या आपको कुछ आपसे गलत नहीं करवाया जाता, कुछ आपसे नाजायज़ नहीं करवाया जाता, आपसे कोई ग़ुलामी नहीं करवाई जाती, आपसे आपकी मर्जी के तहत काम करवाया जाता है। अगर आप वो काम करना चाहें तो आप करें, अगर आप नहीं करना चाहें तो आप ना करें। अगर आप पाकिस्तान के ही लाइफस्टाइल में खुश हैं, आपके वालिद साहब के पास बहुत पैसा है और आप उस पैसे के ऊपर रहना चाहते हैं, तो फिर आप ऑस्ट्रेलिया ना आएं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया मेहनत ज़रूर करवाता है। यहाँ पे रहना मुश्किल भले है लेकिन जब आपका स्टडी का टाइम गुजर जाता है तो लाइफ इज़ अमेजिंग, लाइफ इज़ ब्यूटिफुल एंड इट्स वेरी बिजी। तो डीमोटिवेशन को भगाएं, मोटिवेशन को पकड़ें, और इफ़ यू आर चूजिंग टू कम टू ऑस्ट्रेलिया गो फॉर इट, बट रिसर्च बिफोर यू कम एंड बी प्रिपेयर टू वर्क हार्ड फॉर लाइक 3 or 4 years। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को थोड़ी मोटिवेशन मिली होगी मेरी रियल स्टोरी सुन के, कि मैं भी एक स्टूडेंट के ही फेस से गुजरा हूँ और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो स्टूडेंट के फेस से गुजरे हैं और वो आज बहुत खुश हैं और वो आज बहुत अप्रिशिएट करते हैं ऑस्ट्रेलिया के फ्री कल्चर को, ऑस्ट्रेलिया के लाइफस्टाइल को। तो डू नॉट मिस द बोट, डू नॉट मिस दिस चांस। अगर आपको ये मौका मिल रहा है सो गो फॉर इट, और पाकिस्तानी कम्युनिटी आपको बहुत सपोर्ट करेगी जब आप यहाँ आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।